से जुड़े हुए 12 अपडेट्स आपके साथ ही वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें। नए हो चैनल पे, पहली बार आया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ ही दबा दो बेल के आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो देखने के बाद शेयर ज़रूर से करें ताकि ये कॉन्टेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। मैं कोशिश करता हूँ कि एवरीडे मॉर्निंग 10:45 तक आपके पास वीडियो पहुँच जाए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, और वो भी 5 मिनट से कम समय में। पहला अपडेट टोटल केसेस के साथ, तो 3,41,08,323 इन टोटल केसेस रजिस्टर हुए हैं। डेली केसेस की बात की जाए तो पास्ट 24 आवर में अप्रॉक्सीमेटली 15,000 केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं। एक्टिव केसेस बचे हुए हैं 1,85,018 जो कम हो रहे हैं। टोटल डेथ्स इंडिया में 4,52,684 रजिस्टर हुई है एंड पास्ट 24 आवर में 199 डेथ्स रजिस्टर हुई है। रिकवरीज की बात की जाए तो 15,000 नए केसेस के सामने 19.4 के रिकवरीज देखने को मिली है, तो एक्टिव केसेस जो है वो 4,000 प्लस डाउन गए हैं। रिकवरी 98.67 एंड डेथ रेट 1.33% पे कॉन्स्टेंट है। अगर आप सभी ने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो मैंने बताया था कि कोवैक्सीन का जो अप्रूवल का डेट जो है वो अब 26th of October हो चुका है। अब देखते हैं वहाँ से कोई शिफ्टिंग होता है या नहीं, या फिर अप्रूवल मिलता है तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। इंडिया में एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड जो है वो अब एंडेमिक फेज़ में चला गया है जहाँ पे अब वो ख़त्म हो जाएगा। इस पर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ। इस पर मैं कमेंट जो है ना वो दिसंबर के बाद करूँ। अगर दिसंबर के बाद भी सिचुएशन ये रहती है ना दिसंबर टू जनवरी एंड तक, तो मेरे साइड से भी यही रहेगा कि हाँ भाई अब ख़त्म ही हो चुका है। लेकिन अगर वहाँ पे केसेस बढ़ते हैं ना तो फिर कुछ और ही सिचुएशन होगी। ये इस पर आपका क्या सोचना है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। अगला अपडेट जो है FDA से जुड़ा हुआ है, तो FDA जो है वो मिक्सिंग एंड मैचिंग कोविड वैक्सीन को अप्रूवल देने की फिराक में। अब देखते हैं कौन सी वैक्सीन का मिक्सिंग एंड मैचिंग अप्रूवल होता है। अगला अपडेट जो है वो डेल्टा वेरिएंट से जुड़ा हुआ है, तो इंग्लैंड जो है वो नए म्यूटेशन पे काम कर रहा है, मतलब उसे देख रहा है कि भाई किस तरह का है क्या नहीं है, और वो कौन सा है, डेल्टा प्लस जो इंडिया में आ चुका है। अगला अपडेट जो है वो जुड़ा हुआ है एटियास COVID-19 ओरल ट्रीटमेंट के साथ, जो फेल हो चुकी है मिड स्टेज ट्रायल में क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। आशा रखता हूँ आज का कोरोना वैक्सीन का अपडेट वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आया है यहाँ तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक का बटन तो बनता है, लाइक कर दो, वीडियो कर दो शेयर ताकि ज़्यादा लोगों तक ये कॉन्टेंट पहुँचे। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।